शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही आम जनों के साथ बेहतर व्यवहार करने दुर्ग यातायात पुलिस ने सिटी बस परिचालकों की बैठक ली। दुर्ग से लेकर विभिन्न स्थानों पर चलने वाली सिटी बस संचालकों की मंगलवार को दुर्ग यातायात विभाग द्वारा बैठक ली गई। इसमें सभी परिचालकों को आमजनों के साथ बेहतर व्यवहार के साथ वाहन चलाते समय नशे का सेवन न करने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातें रखी गई। आपको बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सिटी बस आम नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई है, जिससे आम नागरिकों को आवागमन के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, इस संबंध में यातायात विभाग DSP सतीश ठाकुर के द्वारा सिटी बस संचालकों व परिचालकों की बैठक लेकर उन्हें अच्छा व्यवहार रखने के साथ साथ किसी भी प्रकार का नशा व शराब का सेवन कर वाहन न चलाने की समझाइश दी गई। साथ ही निर्धारित समय पर ही वाहन चलाने के लिए कहा गया और कहा गया कि सिटी बस संचालकों के लिए भी वर्दी निर्धारित की गई है, जिसे धारण करना जरूरी होगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाएं और बस स्टैंड में शांति व्यवस्था कायम रखें, और सिटी बस संचालकों के समय व रूट का भी निर्धारण किया गया जिसका परिपालन करना जरूरी होगा। इस संबंध में यातायात विभाग DSP सतीश ठाकुर ने इस तरह की जानकारी दी। यातायात पुलिस द्वारा आज सिटी बस जो चलती हैं, चाहे दुर्ग से रायपुर जाती हो, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, जो बसें चलती हैं उसके संचालकों की हम लोगों ने बैठक लिए हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे शहर से आ रहा है, चाहे यहाँ से जा रहा है, तो सबसे पहले उसका सामना सिटी बस से होता है। और जो बसों का जो चालक है और उसके जो परिचालक हैं, उनका व्यवहार अच्छा रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बस स्टैंड में ना हो, उसके संबंध में आज बैठ के चर्चा की गई है कि जो निर्धारित जगह में ही सवारी को बैठाएं, निर्धारित जगह में वहीं पर उतारें, अव्यवस्था ना दिखाई दें, और जो चालक है, परिचालक है, वो अपने निर्धारित वर्दी में रहे, कोई भी शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं, जो निर्धारित टाइमिंग है उसके अनुसार उसका ही पालन करें। और जो टाइमिंग के पहले जो गाड़ियां बस स्टैंड में आके खड़ी हो जाती है, जिसके कारण अव्यवस्था होती है, वहीं पे गाड़ियां को धोते हैं, जाम लगता है, और जिसका टाइमिंग काफी समय बाद रहता है, ऐसी गाड़ियां उस समय पर ना खड़ी हो, इन सभी बातों को लेकर आज बस संचालकों की हमने बैठक ली है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अच्छी यातायात व्यवस्था बस स्टैंड में देखने को मिलेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।